અને હવે વાત કરીએ પ્રચારમાં આંધીની। प्रथम तबक्का मतदान माटे फक्त अठवाडियुं ज बाकी छे त्यारे राजकीय पक्षों एड़ी चोटीनो प्रचार करी रह्या छे। त्यारे तमाम जे भाजप छे कांग्रेस छे तमाम लोको चूंटीना माहौल में गरमाया छे ने तमाम लोको प्रचार करी रह्या छे। त्यारे जोई शकाय छे दृश्यों में तेम अत्यारे चूंटणीने लईने महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। तमाम राजकीय पक्षों जे छे एड़ी चोटीनो जोर लगावी रह्या छे, तेओ प्रचार करी रह्या छे। त्यारे पीएम मोदी आजथी फरी बे दिवस गुजरातना प्रवासे छे। तो पीएम मोदी बे दिवस में आठ सभाओ गजवाना छे। त्यारे अमित शाह जेपी नड्डा नो पण आजे झंझावती प्रचार कराशे। त्यारे साथे ज सीएम योगी पुरुषोत्तम रूपाला पण सभा गजवशे। तो पीएम मोदी उपरांत केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अने भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पण गुजरात में सभाओनुं संबोधन करशे। तो प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अने पुरुषोत्तम रूपाला सहितना केन्द्रीय मंत्रीओ पण सभाओ गजवाना छे। त्यारे भाजपना उम्मीदवारने जंगी बहुमतीथी विजय बनावा तमाम मतदारों ने अपील करशे। तो न्यूज 18 गुजरात विधानसभा की चूंटणी महाकवरेज सतत आपने बतावी रह्युं छे अने आपना सुधी पळे पळनी तमाम माहिती पण पहोंचाड़ी रह्युं छे। जेम के जोई शकाय छे दृश्यमां तेम पीएम मोदी अमित शाह जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ तेओए जे जूनी सभाओ गजवी हती ने हवे तमाम लोको फरीथी सभाओ गजवाना छे। त्यारे प्रचार युद्ध शुरू थई गयुं छे। पीएम मोदी फरीथी बे दिवस गुजरातना प्रवासे छे। तेओ महेसाणा पोताना मातृवतन महेसाणाथी तेओ शरूआत करवाना छे। त्यारे साथे अमित शाह जेपी नड्डा अने योगी आदित्यनाथ पण एड़ी चोटीनो प्रचार करवाना छे। तो आ तमाम लोको जोड़ाई गया छे प्रचारमां जोड़ाई गया छे। त्यारे भाजप खूब ज तड़ामार तैयारीओ शुरू करी छे। भाजपे एक लक्ष्यांक नक्की कर्यो छे कि तेओ जंगी जीतथी लीड मेळववाना छे ने तेओ चोक्कसथी लीड मेळवशे। तेओ तेनी तैयारीओमां पण एक जूथ थई गया छे। तमाम मतदारोने पण तेओ अपील करी रह्या छे कि तमाम लोको भाजपने ज विजय बनावे। त्यारे जोई शकाय छे तेम योगी आदित्यनाथ जोए जनसभा संबोधन कर्युं हतुं, तेओ पण जनसभा संबोधन करवाना छे। साथे अमित शाह पण सभा संबोधन करशे। त्यारे तमाम राजकीय पक्षोनो झंझावती प्रचार शुरू थई गयो छे। तो वात करीए आगळ एने महत्वना समाचारनी। तो अत्यारे चूंटणीनो माहोल छे ने आ माहोलनी अंदर भाजपना एटले के भारतीय जनता पार्टीना 12 नेताओने सस्पेन्ड करवामां आव्या छे। तर एक बाजु चूंटणीने लईने माहोल गरमायो छे, तेવામાં ભાજપના 12 નેતાઓને સસ્પેન્ડ કરાયા છે। ભાજપે આ 12 નેતાઓને સસ્પેન્ડ કર્યા છે, ત્યારે અપક્ષ ઉમેદવારી કરતા ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરાયા છે। તો વાત કરીએ તો વાઘોડિયાના મધુ શ્રીવાસ્તવ સસ્પેન્ડ કરાયા છે, પાદરાના દિનુ પટેલ સસ્પેન્ડ કરાયા છે, ત્યારે સાવલીના કુલદીપસિંહ રાઉલને પણ સસ્પેન્ડ કરાયા છે। તો શહેરાના ખતુભાઈ પગી સસ્પેન્ડ કરાયા છે, ત્યારે લુણાવાડાના એસ એમ ખાંટ તથા ઉદય શાહ પણ સસ્પેન્ડ કરાયા છે। અને આગળ જ વાત કરીએ તો ઉમરેઠના રમેશભાઈ ઝાલા, ખંભાતના અમરીશભાઈ ઝાલા તથા બાયડના ધવલસિંહ ઝાલાને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે। અને અન્ય નેતાની વાત કરીએ તો ખેરાલુના રામસિંહને પણ સસ્પેન્ડ કરાયા છે, રામસિંહ ઠાકોરને સસ્પેન્ડ કરાયા છે, ત્યારે માવજીભાઈ દેસાઈને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે ધનેરાથી। અને સાથે જ ડીસાના લેબજી ઠાકોર એટલે કે ટોટલ 12 નેતાઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, જે તમામે પોતાની અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી ત્યારે ચૂંટણીના સમયે ભાજપે આ તમામ 12 લોકોને સસ્પેન્ડ કર્યા છે।